जय श्री राम भक्तों, मैं अजय महाराज। आज का विषय है, अगर आप हनुमान भक्त हैं तो अवश्य देखें। और आज का ये वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, कृपया स्किप ना करें, जिससे कि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। अगर आप और आपका मन किसी अनहोनी आशंका से भयग्रस्त हो, अगर आप भयभीत हैं, आपको हर वक्त ऐसा लगता है कि मेरे साथ या मेरे घर के सदस्यों के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, या अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, या अगर आप या आपके घर के सदस्य नकारात्मक शक्तियों से ग्रसित हैं, जीवन से निराश हो चुके हैं, कोई कार्य बन के नहीं दे रहा है, जीवन में अत्यंत कठिनाइयां आ रही हैं, कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है, उसके लिए आज हम आपको एक रामबाण उपाय बताने जा रहे हैं, जो कि अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। अगर आप इस छोटे से उपाय को पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपके कष्टों में अत्यंत कमी आएगी और आप बहुत ही जल्द खुशियों के मार्ग पर चलने लगेंगे और आपके जीवन में खुशियां आना प्रारंभ हो जाएंगी। देखिए, प्रत्येक भक्त जानता है इस कलयुग में सबसे पहले अपने भक्तों की पुकार सुनने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं, जो कि इस धरती पर सशरीर मौजूद है, अजर अमर हैं, अष्ट से नौनित के दाता हैं, अत्यंत दयालु है, अत्यंत बलशाली है, मन चाह अपना वेग बढ़ाने में सक्षम है। कोई भी शक्ति अच्छी या बुरी उनको पराजित नहीं कर सकती है। और भगवान श्री राम का ऐसा आशीर्वाद है उनको कि जो भक्त आपको सच्चे मन से पुकारे, आप उसकी मदद अवश्य करना और उसके संकटों का निवारण भी करना, जिसका कि पालन वो जरूर करते हैं। कोई भी भक्त एक बार इस उपाय को आजमा के तो देखे, उसका जीवन बदल जाएगा। ये उपाय वाकई रामबाण है और बहुत ही छोटा उपाय है, कृपया ध्यान से सुने। श्री हनुमान जी महाराज के 12 नामों को अगर आप प्रातःकाल सो के उठने के बाद या दोपहर में या सोते वक्त लेते हैं, तो आपके इन संकटों में और इन परेशानियों और कष्टों में अत्यंत कमी आएगी और आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, अगर आप प्रातःकाल नहा दोगे हनुमान जी के इन 12 नामों को 11 बार लेते हैं, तो आपकी आयु दीर्घायु होगी, आपकी उम्र बढ़ जाएगी और जीवन से संकटों का नाश होना शुरू हो जाएगा। नंबर तीन, अगर आप भोजपत्र पर लाल पेन से इन 12 नामों को लिखकर उस भोजपत्र को किसी प्राण प्रतिष्ठित हनुमान मंदिर में हनुमान जी के चरणों में रखकर उनसे प्रार्थना करके और उनके चरणों से थोड़ा सिंदूर लेके उस भोजपत्र पर लगाकर उसको
रोल करके घड़ी बना के लाल कपड़े में एक तावीज बना के अगर आप सीधे हाथ में, पुरुष हैं तो सीधे हाथ में, महिला हैं तो उल्टे हाथ में धारण करें, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको परेशान नहीं कर पाएगी। और अगर कोई नकारात्मक शक्ति होगी तो वो अवश्य दूर भाग जाएगी। ये प्रयोग इतना सक्षम है, इसको आप अवश्य करें। एक बहुत छोटा प्रयोग है, लेकिन रामबाण देखिए, हनुमान जी के जो 12 नाम है वो इस प्रकार है। नंबर एक, हनुमान मतलब जिनका गाल फूला हुआ है। नंबर दो, अंजनी सुत जिनकी माँ का नाम अंजनी है। नंबर तीन, वायुपुत्र अर्थात श्री पवन देव के पुत्र। नंबर चार, रामदूता है भगवान श्री राम के दूत या सेवक। नंबर पांच, रामेष्ट जिनके ईष्ट राम भगवान है। नंबर छह, पिंगाच जिनके नेत्र भूरे रंग के हैं। नंबर सात, सीता शोक विनाशक अर्थात सीता मैया का शोक को हरण करने वाले। नंबर आठ, लक्ष्मण प्राणदाता भगवान श्री लक्ष्मण जी के संजीवनी बूटी से प्राण बचाने वाले। नंबर नौ, दस गीरवा गरवा अर्थात जिसके 10 गर्दन थी, रावण का घमंड तोड़ने वाले। नंबर 10, महाबल मतलब महाबलशाली। नंबर 11, फाल्गुन सखा मतलब द्वापर में अर्जुन के सखा, अर्जुन के रक्षक। नंबर 12, ओम उदिति किरमण मतलब समुद्र को लांघने वाले। इन 12 नामों को अगर आप बताई हुई विधि से जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ये प्रयोग हमने हजारों भक्तों को कराया है और हजारों भक्तों को लाभ मिला है। ये एक परीक्षित प्रयोग है, ये टुटका नहीं है, ये अत्यंत रामबाण प्रयोग है। कृपया इसको अवश्य करें। ये एक बहुत छोटा सा प्रयोग है, इसमें बहुत कम समय लगता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही अच्छे पाए जाते हैं। और आप इसको करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आशा है आज की ये वीडियो आपको अत्यंत पसंद आई होगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।